स्पेशल शो बिहार के चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कोई ना तो अपना होता है ना ही पराया। जब जहां जिसके साथ फायदा हो उसके साथ नेता लोग हो जाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके जीते जागते उदाहरण भी है। सीएम नीतीश 10 साल में रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2 बार वे राजद के साथ गठबंधन करके सरकार भी चला चुके हैं। सीएम नीतीश जब राजद के साथ महागठबंधन की सरकार में थे तब उनका कहना था कि वो मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। अपने बयान के कुछ ही महीने बाद सीएम एक बार फिर एनडीए का दामन थाम लिए। वहीं अब एनडीए के साथ सीएम नीतीश कब तक रहेंगे यह तो वही बता सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव प्रचार के क्रम में सीएम नीतीश कई बार कह चुके हैं कि वह अब बीजेपी के साथ है और आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेंगे। सीएम नीतीश के पलट जाने की चर्चा एक बार फिर भी तेज है। आखिर हो भी क्यों ना, इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत पाने से चूक गई। बीजेपी को केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जदयू की जरूरत पड़ी। नीतीश और नायडू ने बीजेपी का साथ दिया और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत कर चुके हैं। उनके कैबिनेट का भी विस्तार हो गया। इसके बावजूद अब भी सियासी गलियारों में चर्चाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। सीएम नीतीश के एक बार फिर से एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। अब इस कयास के क्या वजह है आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल इन चर्चाओं के 2 अहम कारण हैं। पहला, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम नीतीश और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का दिल्ली के लिए एक ही साथ एक ही फ्लाइट में रवाना होना। नीतीश तेजस्वी की पहली तस्वीर सामने आई जिसमें दोनों आगे पीछे बैठे हुए दिखाई दिए और दूसरी तस्वीर में सीएम नीतीश और तेजस्वी एक साथ बैठे दिखे। दोनों दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे थे तब इस चर्चा को हवा मिली। वहीं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने पीएम पद का ऑफर वाला बयान दिया। इस बयान ने सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन में जाने के कयासों के बीच आग में घी डालने का काम किया। वहीं नीतीश कुमार 2 ध्रुवी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। काफी संयमित होकर हर छोर की राजनीति के साथ वह समन्वय बना लेते हैं। फ्लाइट में तेजस्वी यादव को पीछे से अपने साथ बिठाने का 2 ही मकसद था। एक तो भाजपा का कान खड़खड़ाए और दूसरा यह कि धूर विरोधी तेजस्वी यादव से संवादहीनता ना आए। नीतीश कुमार की राजनीति का एक पहलू यह भी है कि संख्या बल का दबाव सहयोगी दल पर बना रहे, यानी कि वह प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। नीतीश कुमार टेस्ट मैच के खिलाड़ी रहे हैं, बल्लेबाजी भी धीमी धीमी करते हैं। सीएम नीतीश कुमार की राजनीति में परिवर्तन के संकेत अक्सर संभावनाओं से परे हैं। बिहार के संदर्भ में महागठबंधन का टूटना और नया अलायंस बना लेने में नीतीश कुमार को एक्सपर्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 22 फरवरी 2015 को सरकार बनी। 10 महीने के बाद 20 नवंबर 2015 में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बने। परंतु इस बार जदयू अकेली नहीं थी। यहां लालू यादव की पार्टी राजद के साथ उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनाकर सीएम पद की शपथ ली थी। यह पहली बार था जब जदयू और राजद सत्ता में साथ आई थी। राजद का साथ छोड़कर भाजपा के साथ सरकार बनाने में लगभग 20 महीने का अंतराल आया, यानी कि 26 जुलाई 2017 को एक बार फिर राजद को छोड़कर भाजपा के साथ राजग की सरकार बनाई। राजग यानी कि एनडीए की यह सरकार 2.5 साल तक चली थी। इसके बाद 16 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने फिर से जदयू और भाजपा वाले एनडीए की सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। इसके 2 साल बाद जदयू भाजपा के रिश्तों में खटास आई। नीतीश ने 10 अगस्त 2022 को फिर से लालू यादव की पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने जदयू राजद के गठजोड़ से महागठबंधन की सरकार बना ली। बिहार में 2022 के बाद महागठबंधन की सरकार करीब 17 महीने चली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बाजी पलटते हुए 28 जनवरी 2024 को जदयू भाजपा की नई सरकार बना ली। सीएम नीतीश के इंडिया गठबंधन की ओर जाने की मुख्य वजह के रूप में इन्हें देखा जा रहा है। मोदी कैबिनेट में जदयू को मन के मुताबिक विभाग नहीं मिला है। रेल, वित्त, कृषि, स्वास्थ्य जैसे बड़े बजट वाले विभाग की इच्छा पूरी नहीं की गई। सांसदों की संख्या और राजनीतिक जरूरत के आधार पर मंत्री पद की संख्या और विभाग जदयू के भीतरी दबाव को बढ़ा रहा है।
विभाग के बने मंत्री में उत्साह नहीं दिखता। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का यह कहना है कि विभाग कोई खराब और अच्छा नहीं होता। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का कहना है कि विभाग का नाम सुनकर दिमाग खराब हो गया। कार्यकर्ताओं में भी विभागों को लेकर उतना उत्साह नहीं। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन के लोग सीएम नीतीश को लुभाने में कामयाब हो गए तो यह एनडीए के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। बहरहाल सीएम नीतीश तो भले गठबंधन बदलते हों लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में हर बार वही शपथ लेते हैं, केवल डिप्टी सीएम बदलते रहते हैं। जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने भी कहा है कि सीएम नीतीश का मतलब है मैं हूँ, यानी नीतीश कुमार का मतलब है मैं ही हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक सत्ता मेरे हाथ में रहेगी। वहीं बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने भी माना है कि 2025 में वे नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। दरअसल 2025 का बिहार विधानसभा अगले साल होने वाला है। ऐसे में अगर सीएम नीतीश एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो एनडीए को ना सिर्फ बिहार में नुकसान सहना पड़ सकता है बल्कि केंद्र में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की ओर से सीएम नीतीश को अपने साथ लाने की कोशिशें की जाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम नीतीश एनडीए के साथ अपनी वफादारी निभाते हैं या फिर से एक बार पलटी मारकर महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब वाकई में जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया मंत्री पद मिला है और जितने कम संख्या में मंत्री जदयू के बने हैं इसको लेकर जदयू के अंदर नाराजगी चल रही है और कहीं ना कहीं यही बड़ी वजह होगी कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन के साथ जाने के बारे में सोचेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर यह सब देखने को मिलेगा? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।